भाई जी है माइकल, जो कि GTA 5 का मेन करेक्टर है। ये अपने घर में आराम से टीवी देख रहा था, तभी उसको किसी बंदे का कॉल आता है कि उसने जिमी, जो कि माइकल का बेटा है, उसको किडनैप कर रखा है। फिर माइकल ने अपने बेटे को हर जगह ढूंढा पर वो उसे नहीं मिला। तो कुछ घंटे बाद फिर माइकल को कॉल आता है उसी बंदे का दोबारा, और उसने माइकल को कोई लोकेशन सेंड किया है और हमें उस लोकेशन पर बुलाया है। तो गाइज हमें लोकेशन मिल चुकी है और हमें वहाँ पर जाके देखना होगा कि वहाँ पर क्या होता है। और हाँ गाइज एक बात और बता दूँ, माइकल ने अपने लिए एक कोई लग्जरी गैरेज बनाना शुरू किया था 2-3 दिन पहले, और ये देखो वो बन के रेडी हो चुका है। चलो देखते हैं कैसा है गैरेज। तो गाइज ध्यान से देखो कितना शानदार गैरेज लग रहा है, हर जगह कांच की खिड़कियाँ हैं, एकदम लग्जरी लग रहा है पूरा। तो हम गाड़ी कौन सी लें देखते हैं, ब्लैक वाली ज़्यादा अच्छी लगती है मेरे को, वही लेके चलेंगे। अरे यार चलने से पहले ठोक दी गाड़ी, कोई ना, बट हमें जल्दी जाना होगा, जिमी को भी बचाना है। अभी यहाँ चले जाते हैं, मैं आपको रास्ते में बताऊंगा कि पूरी स्टोरी क्या, आपको पूरा समझ में आ जाएगा सही से। तो चलो गाइस जब मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूँ, 2-3 दिन पहले माइकल और जिमी की किसी बात को लेकर लड़ाई हो चुकी थी। तो जिमी गुस्सा होकर अपने घर से चला गया था, और अचानक से अब माइकल को किसी बंदे का फ़ोन आता है कि उसने जिमी को किडनैप कर लिया है। तो हमें सिंपल सी बात है, जाके वहाँ पे देखना हो कि जिमी उसके पास है या नहीं। और हाँ, माइकल उस बंदे को बिल्कुल भी नहीं जानता है कि वो बंदा जिसने जिमी को किडनैप किया है कौन है, कहाँ से आया है, क्या चाहता है। भाग्य हमें वहाँ पर जाके ही पता चलेगा। और आपको बताने के चक्कर में मैं गलत साइड आ गया, अब मुझे वहाँ से सीधा जाना था। ये बाप पीछे टॉक दी गाड़ी, और हम यहाँ फ्रैंकलिन के घर की साइड आ गए हैं। और यहाँ पे सड़कें ऐसी हैं कि सामने से कोई गाड़ी आए तो दिखाई नहीं देती है, और उस चक्करों में गाड़ी ठुकती रहती है। चलो गाइस यहाँ पे जल्दी से निकलते हैं यहाँ से, और जल्दी से जल्दी हमें वहाँ पे पहुँचना है। हम उस जगह पे बस पहुंचने वाले हैं, इतनी दूर जगह थी कि हमें पहुंचते पहुंचते पूरी रात हो चुकी है। हमें अब यहाँ से जाना है अंदर, चलो देखते हैं कि गेट खुलता है नहीं। चलो खुल गया यार गेट। तो बाकी यहाँ पे ये गाइस जितनी सिक्योरिटी देख रहे हो, आगे जाके देखते हैं क्या होता है, कि हम अपने बेटे जिमी, मतलब माइकल के बेटे जिमी को बचा पाते हैं नहीं। वैसे आगे जाने का मन तो नहीं कर रहा, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, बट जाना भी पड़ेगा क्योंकि जिम्मी को भी बचाना है। तो गाइस मैं आ चुका हूँ अंदर, पर यहाँ पे कोई दिखाई तो नहीं दे रहा, आगे जाके देखना पड़ेगा थोड़ा। तो गाइस फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ जहाँ पे मिलने के लिए बुलाया गया था। बाकी आप यहाँ की सिक्योरिटी देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी है यहाँ पे, और ये देख के लगता है कि ये बंदा बहुत पैसों वाला है। तो इसने सीधी सी बात है कि पैसों के लिए तो किडनैप किया नहीं होगा। और सामने आप जिमी को भी देख सकते हो, और शायद इसी बंदे ने जिमी को किडनैप किया है। और हाँ गाइज, इस बंदे से मेरी बात हो चुकी है, और इसने बताया कि हमें जिमी को छुड़ाने के लिए इसके लिए कोई काम करना होगा, तो काम होते ही जिमी को छोड़ देगा। और ये रहा जिमी, बट मैं इसे बचाने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने एक भी फायर किया तो ये बंदे जिमी को उसी टाइम मार देंगे। तो फिलहाल हमें यहाँ से चलना होगा, और किडनैपर ने अभी तक अपना नाम नहीं बताया, तो हम उसे किडनैपर ही बोलेंगे।
और हमें बताया गया है कि हमारे पास कॉल आ जाएगा थोड़ी देर में, तो हमें बताया जाएगा कि हमें क्या काम करना है। तो अभी यहाँ से चलता हूँ मैं। गाइस जैसे ही मैं यहाँ से निकल रहा था, बट हमें किडनैप ने वापस बुलाया है, देखते हैं कि अब क्या होता है। तो गाइस मेरी किडनैपर से बात हो गई है और इसने हमें बोला है कि हमें 24 घंटे के अंदर वो काम करना होगा, नहीं तो वो जिमी को मार देंगे। अभी तो निकलते हैं यहाँ से, बट हमें अगर जिमी को बचाना है तो वो काम जल्दी से जल्दी करना होगा। तो गाइस आज का एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। गाइज ये मेरा फर्स्ट वॉइस ओवर वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना, और कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं आगे की वीडियोज़ बनाऊँ या नहीं।